दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ड्राइव टू इजी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और दोस्तों आज मैं जो बताने वाला हूँ मेरे जो स्टूडेंट को, मैंने फोक के बहुत सारे वीडियो बनाए कि फोक के क्या क्या है, और मैंने इसी का फंक्शन भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए इसी के फंक्शन को लेके। मेरे साथ में जो आज स्टूडेंट है, ठीक है, वो उनका काफ़ी दिन हो गया ड्राइविंग करते हुए, और इनकी ड्राइविंग कैसी है, जो गाड़ी चलाते हैं कलच कुछ हद तक के जो है मेरा स्टूडेंट ही मैं अपना फिर गाड़ी कंट्रोल करता है, बाकी जो है मैं करता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो। और दूसरी बात, आज मैं जो उनको सिखाने वाला हूँ कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं उसको याद करने के लिए, जैसा घेर का हो गया, तो आज थोड़ा घेर के बारे में बताने वाला हूँ और एसी का थोड़ा बहुत फंक्शन बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ लोग आप बने रहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पूरा नाम क्या बॉस? एमडी नजरुल आलम। नजरुल भाई देखो, अभी आपको बताने वाला हूँ मैं, आप फर्स्ट गियर डालिए क्लच दबा के, पहले सेकेंड डालो, थर्ड डालो। हाँ देखो, थर्ड गियर में क्या होता है, सुनो मेरी बात, ये ना ये अभी न्यूट्रल है ये, ठीक है। अभी ये हमने फर्स्ट डाला, ये सेकंड डाला, ठीक है। अब थर्ड डालने के लिए क्या करना है, ये छोड़ दो, ये असर ला के छोड़ दो, ऑटोमेटिक बीच में आ जाता है। तीन और चार के बीच में ये डंडा होता है, फर्स्ट सेकंड डालना है तो यहाँ धक्का मारना है, पाँचवा रिवर्स डालना है तो यहाँ धक्का मारना है। तीन चार के लिए कोई धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, ये सेकेंड है, छोड़ दो, बीच में आ गया सीधा थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है। डालो फर्स्ट गियर, सेकेंड डालो, थर्ड डालो, वेरी गुड, फोर्थ डालो, हाँ पाँचवा गियर डालो, हाँ रिवर्स डालो न्यूट्रल करके। दोस्तों ये जो मैं पोजीशन बताया, जो पोजीशन से अभी नजरुल ने गियर डाला है, ये पोजीशन अगर आप गियर डालेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कभी आपका गियर जो है रॉन्ग नहीं जाएगा, फर्स्ट से थर्ड नहीं जाएगा, सेकेंड से चौथा गियर नहीं जाएगा। जो पोजीशन मैंने अभी इसने किया है नजरुल ने, उस पोजीशन पर आप गियर डालेंगे तो कभी गियर रॉन्ग नहीं जाएगा। अच्छा अभी आ जाते हैं एसी का फंक्शन के हिसाब से। ऐसा था नजरुल, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, खासकर बरसात में क्या होता है, बरसात में ऐसा हो जाता है कि पर फोक जमा हो जाता है, तो फोक दूर करने का क्या तरीका क्या मालूम है? जैसा अभी यहाँ पे निशान है, देखो ये दिख रहा निशान ना, ये निशान जो है यहाँ से हवा जाती है, हवा है ना यहाँ से रिलीज़ होती है। ये जो पोजिशन है, इसका जो पोजिशन है, अगर मैं यहाँ करता हूँ तो हवा पूरी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। ये अक्सर बरसात में ऐसा होता है, बरसात में ऐसा किया जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो पूरा बाकायदा तरीका बताया हुआ है, अभी सामने हवा चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे है एसी का, ये भी इधर है, अभी आपको सामने हवा चाहिए तो ये पोजीशन बराबर है, ठीक है। अभी सामने भी हवा चाहिए और पैर पे भी हवा चाहिए ना, तो उसके लिए पोजीशन चेंज करना है। देखो ये है ना, यहाँ से जो है यहाँ लेके आना है, ये मैं इधर लेके आया, ठीक है। अब सामने भी हवा आएगी और पैर पर भी हवा आएगी, नहीं अगर खाली आपको पैर पर हवा चाहिए, सामने हवा नहीं चाहिए, तो इसको जो है चेंज करना है, यहाँ लेके आना है। अभी आप सिर्फ पैर पे हवा आएगी, अभी आप चाहते हो कि मेरे पैर पे भी हवा आ जाए, फोग आ रहा है तो सामने भी हवा आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ये पोजीशन दिया है, देखो यहाँ पे करो तो पैर पे भी हवा आएगी, सामने भी हवा जाएगी। अभी ये जो पोजीशन है ना, ये बाहर की हवा अंदर सर्कुलेट होगी, और ये लास्ट, ये जो यहाँ पे करने से क्या होगा, जब ज़्यादा फोग आ जाएगा तो पूरा हवा यहाँ से निकलेगा, ना यहाँ से आएगा ना यहाँ से आएगा, पूरा हवा यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ से भी आता है हवा, लेकिन ज़्यादा हवा जो है पूरा फोर्स जो है गाड़ी का अपना हवा का जो यहाँ से आएगा, जिससे पूरा फोक चला जाएगा, समझ गए आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, एसी का जो टेम्परेचर है वो कम कर देना है, अगर 22 का आपका एसी टेम्परेचर है तो उसको 26 पे ले जाना है, अगर ये कांटे वाला है आपका एसी का कांटा वाला है, ये एसी फुल है तो उसको जो मिडिल पे ले जाना है, इससे क्या हो गर्म हवा आती है और जब गाड़ी चलती है तो इंजन गर्म होता है तो वहाँ से गर्म भाप निकलती है, तो यहाँ फोक ज़्यादा हो जाता है, यहाँ से गर्म हवा जाके वहाँ से गर्म जो है पूरा फोक क्लियर करती है, समझ में आया? हाँ। नहीं समझ में आया तो बिंदा सवाल कर सकते हैं आप मेरे से, ठीक हाँ। है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों आज नजरुल की ड्राइविंग देख लीजिए, कैसा वो ड्राइविंग करता है, कैसा ड्राइव करता है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी ड्राइविंग कैसी है। चलिए ओके, फिर तुम एक चीज़ भूल रहे हो, मैं क्या बोला, जब भी गाड़ी हैंड ब्रेक पे बिल्कुल ध्यान देना। चलिए राइट का इंडिकेटर दो, पार्किंग से गाड़ी निकालना है तो राइट का इंडिकेटर देके राइट का मिरर देखते हुए चलना है तुम्हारे को। चलिए आराम से चलिए, हल्का हल्का कलर जो हल्का कलर दो, राइट में देखो गाड़ी आ रही है, इनो नैनो गाड़ी आ रही है, तो ध्यान दो भाई हर चीज़ों पर। चलो अभी बाइक आ रही है, चल बाइक तो निकल जाएगी, निकालो आराम से, चलो धीरे धीरे निकालो, चलो घबराओ मत बिंदास, चलो अभी आराम से बिंदास, घबराओ मत, चलो फटाफट लेफ्ट में लो, लेफ्ट में लो,
चलो अभी सीधा पब्लिक को भी जो रोड पे चलना है, फुटपाथ पे नहीं चलती पब्लिक, आगे से राइट लेना है, राइट का इंडिकेटर दो, सर्कल से राइट लेना, वेरी गुड। ये सर्कल पे ना चारों तरफ नज़र घुमाने का है, लेफ्ट में कहाँ से गाड़ी आ रही है, राइट में कहाँ से आ रही है, देख सकते हैं आप पूरा कंट्रोल जब नज़रुल कर रहा है और टर्निंग पे गाड़ी जो सर्कल से टर्न मार रहा है, कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, मेरी साइकिल वाला सामने आ गया अचानक, देखो बाइक वाला है। ये मुंबई है, पब्लिक जो है कहीं से भी चलती है, इतना रश एरिया आपको किसी स्टेट में नहीं मिलेगा, आराम से एकदम बढ़िया। सेकंड गियर, और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, अपना गियर जो है मौसम के हिसाब से चेंज करना। जैसा फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है, 0 to 10 की स्पीड जैसे प्लस हो गया, सेकंड गियर डालना। देखो अभी उन्होंने गियर चेंज किया, थर्ड गियर डाल दिया, एकदम इजीली आगे से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट का इंडिकेटर देना, चलिए आराम से। देखो अब यहाँ गाड़ी स्लो किया उन्होंने, गियर जो है स्लो कर दिया, गियर को डाउन कर दिया, ठीक है। चलिए अब वापस से आगे फर्स्ट गियर पे, वेरी गुड। चलो लेफ्ट टर्न मारो फटाफट, क्योंकि लेफ्ट शॉर्ट लेने का, तुम लेफ्ट ज़्यादा घुमा के ले रहे हो। चलो आराम से, चलो निकालो गियर चेंज सेकेंड। ये बहुत अच्छी बात है, नजरुल जो है नजरुल का जो प्लस पॉइंट क्या है कि नजरुल जो है अपने गांव में भी ट्रैक्टर चला चुका है, और ट्रैक्टर चलाने की वजह से इसका जो स्टीयरिंग का जजमेंट है आप देख सकते हैं, बराबर रोड के हिसाब से वो स्टीयरिंग को घुमाता है, तो उसको ये प्लस पॉइंट मिल गया। बाकी रहा क्लच ब्रेक का, तो धीरे धीरे उसको ऑलरेडी कंट्रोल मिल चुका है क्लच ब्रेक को लेकर, आराम से चला। दोस्तों ये नजरुल की ड्राइविंग कैसी लगी, और जो मैंने अभी बताया नजरुल को जो फॉग के बारे में और एसी के जो फंक्शन के बारे में, ये सब आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और ड्राइविंग को लेकर आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बताइए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।